अदलिया मुखालिफ बयानात, वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने गैर मशरूत माफी मांग ली। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने केस की समाप्त की। चीफ जस्टिस ने बयानात के क्लिप चलाकर दिखाए। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुजर गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए फंड्स जारी न हुए। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। जजेस चैंबर में जायजा लेंगे। फंड से मुतालिक हुक्मनामा जारी किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मामलों में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। अदालत के सामने खड़े होने को तैयार हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को ना अहल कर दे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा सदर अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट नहीं भेज सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल वापस किया तो आइन से तजावुज होगा। दो सूबों में इंतखाबात से अनारकी और इंतशार जन्म लेगा। मामला हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठे। इज्तिमाई कोशिशों से बहरान के हल के लिए फैसला दें। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक शख्स के फैसलों पर इन्हिसार नहीं कर सकती। अदालत अपने मामला शफाफियत से चलाए। रूस से सस्ते तेल की दरामद इसी माह शुरू हो जाएगी। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अपनी जरूरत का 33% खाम तेल रूस से खरीदेगा। अमरीका और यूरोप समेत किसी को एतराज नहीं। मखलूत हुकूमत को एक साल मुकम्मल। शहबाज शरीफ कहते हैं पहला साल बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का रहा। महंगाई ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। जियो स्ट्रेटेजिक दुश्मनियां, ईंधन की कीमतों में इजाफा और सैलाब महंगाई के अहम अवामिल हैं। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जिद्दा पहुंच गईं। शौहर बेटा और बेटियां भी हमरा। नवाज शरीफ भी चंद रोज में सऊदी अरब आएंगे। T20 और वनडे सीरीज, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम 13 अप्रैल को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पहला T20 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। और कराची चिड़ियाघर में हथनी का इलाज जारी। सूजन कम होने लगी। नूरजहां के आराम के लिए मट्टी के ढेर लगा दिए गए। चिड़ियाघर के नए मुंतजिम ने भी ओहदे का चार्ज संभाल लिया।